भगत सिंह व्यायामशाला और समाज कल्याण समिति तत्वावधान में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम ऐतिहासिक रूप से संपन्न हुआ। शासकीय कन्याशाला में आयोजित कार्यक्रम में शहीद कमांडो जितेंद्र कुमार वर्मा, शहीद वन रक्षक मदन लाल वर्मा के परिजनों को सम्मानित किया गया। इनके अलावा वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के वंशज योगेश राव अरुण राव, मनोज मनु निर्भीक पत्रकार तथा देवास जिले की पदक पाने वाली पहली महिला खिलाड़ी सुश्री नेहा ठाकुर को भी अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देने वाली प्रतिभाओं तथा संस्था से जुड़े कर्मठ कार्यकर्ता एवं सहयोगियों जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके परिजनों को भी अतिथियों द्वारा स्मृति शेष सम्मान से सम्मानित किया गया। इस मौके पर देशभक्ति पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार 31,000 सेंट जोराम्स स्कूल कन्नौत, द्वितीय 21,000 एमरल्ड पब्लिक स्कूल खातेगांव, 11,000 तथा तीसरा पुरस्कार विद्यासागर स्कूल खातेगांव को दिया गया। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देने वाले विद्यार्थियों को भी प्रोत्साहन पुरस्कार दिए गए। कन्नौत से कमल गर्ग, राहिक रिपोर्ट। मैंने 2015 में अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन आज ऐसा समय आया है कि उसमें मुझे फिर से अपनी पढ़ाई को जारी करने के लिए एक हिम्मत के साथ ये करना पड़ रहा है। इसलिए मेरा यही अनुरोध है कि बच्चियां आप हमेशा पढ़ाई जारी रखें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।